जानलेवा बीमारी हो गई है। मजदूरी कर पेट पालने वाले इस पिता ने इलाज के लिए अपनी सारी कमाई लगा दी है। हर्ष की जिंदगी बचाने के लिए 23 दिसंबर से पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना बेहद ही जरूरी, लेकिन इस पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इलाज के अभाव में बेटे को तिल तिल कर मरता नहीं देखना चाहते, लिहाजा इस पिता ने खुद अपने बेटे के लिए जिला प्रशासन से इच्छा मृत्यु मांगी है। देखिए यह रिपोर्ट। मेरे बेटे को मौत दे दो, तिल तिल कर मरते नहीं देख सकता, इच्छा मृत्यु की इजाजत दो सरकार। आज एक पिता अपने कलेजे के टुकड़े अपने लखते जिगर के लिए क्यों इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है? आज जब एक बाप का दर्द सुनेंगे तो यकीन मानिए आपका कलेजा भी छलनी हो जाएगा, आपकी आंखों से ममता का दरिया उफान मारने लगेगा, क्योंकि एक पिता आज बेबस हो गया है, टूट गया है। अपने बेटे को तिल तिल कर मरते नहीं देख सकता ये पिता, क्योंकि मजदूरी कर मुश्किल से दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वाले इस बाप को ऐसी मनहूस खबर लगी जिसे कोई भी बाप नहीं सुनना चाहेगा। सुरेश नाथ के 14 साल के बेटे हर्ष को अप्लास्टिक एनीमिया नामक एक गंभीर बीमारी हो गई। ये पिता बेटे के इलाज के लिए अपना सब कुछ गिरवी रख चुका है। इस बेबस पिता का कहना है कि जब इलाज के अभाव में बेटे की जान चली जाए तो फिर उसके जीने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। अब जिला प्रशासन से परिवार सहित इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। मैं कलेक्टर साहब ने आज लिख के दियो है कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द इलाज कराया जाए। मेरे पल्ले तो की है को नहीं, क्योंकि मैं दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, 8-10 लाख रुपया खर्चो है, ना मैं भी वो खर्चो उठा पाऊँ ना कोई और। तो मैं तो कलेक्टर साहब आगे दकारस लगा दी इन वास्ते कि मेरो जल्द से जल्द मेरे बच्चे ने सही कर दियो। ये एक ही बात कहते हैं कि या तो हमारे को सरकार इमदाद दे दे अपनी योजनाओं के अंदर डाल के, और नहीं तो सरकार हमें भी इच्छा मृत्यु का दे दे। हर्ष को 4 महीने पहले अप्लास्टिक एनीमिया होने का पता चला, उसके बाद मन परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टर्स ने 22 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे खर्चीला इलाज की जरूरत बताई, वो भी 23 दिसंबर से पहले। डॉक्टर्स का कहना है कि अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित मरीज को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, शरीर में प्राकृतिक तरीके से खून नहीं बन पाता, कई बार खून रिएक्शन करने की वजह से अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना ही एकमात्र उपाय है जो बेहद खर्चीला। तो उसका मैनेजमेंट तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और उसका खर्चा ज्यादा है कि बहुत से कम सेंटर हैं जहां से ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, क्योंकि ये जयपुर से भी डायग्नोस हुआ हुआ है। तो ये प्लास्टिक एनीमिया फाइनल तो इसका देखो मैनेजमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्चा लगभग 10 लाख रुपए है, जो इस गरीब बेबस पिता के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। ये बेबस पिता अपने बेटे को इस तरह मरते नहीं देखना चाहता। अब ये परिवार अपने बेटे के इलाज के लिए समाज और सरकार की तरफ देखने को मजबूर है। डॉक्टर की माने तो हर्ष का जीवन बचाने के लिए 23 दिसंबर से पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना बेहद जरूरी है। सोचिए अगर पैसे के अभाव में एक बेबस पिता अपने बच्चों को तिल तिल कर मरते देखने को मजबूर हो जाता है तो फिर लानत है ऐसे असंवेदनशील प्रशासन और समाज पर। मनीष शर्मा, जी मीडिया, हनुमानगढ़। तो जी राजस्थान पर प्रसारित इस खबर का असर हुआ है, जी राजस्थान की मुहिम रंग लाती हुई नजर आई है। और आपको बता दें इस परेशान पिता की समस्या का हल निकालने के लिए कई लोगों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। हर्ष की मदद के लिए भामाशाह आगे आए हैं और प्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित और ऐसे में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना डॉक्टर्स से उचित समझते हुए सलाह दी है, और ऐसे में 23 दिसंबर से पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट हर्ष का होना है। पिता की गुहार पर, इच्छा मृत्यु की गुहार जो लगाई थी उसे लेकर अब लोगों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। सहयोगी मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, दी मीडिया की मुहिम रंग लाई है और हर्ष की मदद के लिए कई हाथ आगे आए हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि किस तरह से एक जो मजदूर पिता है वो अपने बेटे की बीमारी के आगे अपना सब कुछ बेचकर भी अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि लगभग 2-2.5 लाख रुपए जो उस मजदूर की जमा पूंजी थी मकान बेचने और गिरवी रखने के बाद में, जितना पैसा वो इकट्ठा कर पाया था वो अभी तक वो लगा चुका है।
वहीं अब जो उसे डॉक्टर्स ने फाइनली जो सलाह दी है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की दी है। जैसे ही जी न्यूज ने इसको प्रमुखता से दिखाया, प्रमुखता से दिखाने के तुरंत बाद में इसको जिला प्रशासन को जो इसके पिता ने एक एप्लीकेशन दी थी कि या तो इस बच्चे का इलाज करवाया जाए सरकारी मदद से, अदरवाइज मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए। जैसे ही ये सारा संज्ञान मामला जिला कलेक्टर और एडीएम अशोक असीजा और जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत अपने स्तर पर जो प्रयास किए उससे तुरंत इस बच्चे को राहत भी मिली। 20 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जो राहत कोष है उसमें से इस बच्चे को 1.5 लाख रुपया और बाकी जो जिला प्रशासन है उसने अपने स्तर के ऊपर जो जिले के अंदर जो मुख्य भामाशाह है उनसे उन्होंने सारा खर्च इस बच्चे के जितना भी खर्च आएगा वो सारा अरेंज कर लिया अपने ही लेवल पर। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जिला स्तर के ऊपर। जैसे ही बच्चे का मामला सामने आया अभी हमारे पास कई फोन सुबह से भी आ गए हैं, कल भी मेरे पास कुछ कॉल्स आए थे इसी रिगार्डिंग, इस बच्चे के मदद के रिगार्डिंग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका। तो आपको बता दें जहां पर बड़ी संख्या में लोग साथ ही भामाशाह इस बच्चे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।